हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी, उनके भाई कर्ण और मां के खिलाफ पलवल के महिला थाने में दहेज मारपीट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ये मुकदमा सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज कराया है। आरोप है कि दहेज में क्रेटा कार की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पलवल की रहने वाली सपना चौधरी की भाभी ने महिला थाने में दी शिकायत में कहा है कि साल 2018 में उसकी शादी नजफगढ़ दिल्ली के रहने वाले सपना चौधरी के भाई कर्ण के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ कई बार मारपीट की गई। लेकिन जब उसे बेटी हुई तो ससुराल वालों ने बेटी के छूछक में क्रेटा गाड़ी की मांग की। यहाँ आपको बता दें कि छूछक एक रस्म होती है जिसे बच्चे के जन्म के बाद लड़की के मायके से काफी सारे गिफ्ट्स आते हैं। आरोप है कि भाभी के पिता ने 3 लाख नगद और सोने चांदी कपड़े दिए थे, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और उसे क्रेटा गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। 2020 में 26 मई को उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। करीब 6 महीने पहले वो अपने पिता के घर पलवल आ गई, जिसकी शिकायत उन्होंने महिला थाना पुलिस को दी, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने पीड़ित के पति कर्ण, नंदन सपना चौधरी, माता नीलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से, हमने उस पर CAW सेल में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी है सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। क्या डिमांड करी थी जो गाड़ी की बता रहे हैं सर? इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की। अभी सर इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे सर। और क्या आरोप है, जैसे कि किस तरह से दहेज मांगते थे, कब शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है सर 2018 में सर, और बस ये शारीरिक पड़ताड़ना, दहेज मांगना सर, मेरी तो यही है सर। कोई छूछक हुआ था क्या, कौन सी गाड़ी मांगी है? हाँ सर, उसमें बेटी हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था क्रेटा गाड़ी मांगी थी सर, ये एलिगेशन है सर। अब क्या कार्रवाई चल रही है सर? इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बाद तस्दीक जो भी कार्रवाई होगी सर वो की जाएगी। वहीं DSP सत्येंद्र पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आरोप तय होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।